हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फिफ्थ साइंस चैप्टर 7 एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। इन द प्रीवियस वॉल्यूम वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, ब्रीदिंग इन एनिमल्स, मूवमेंट इन एनिमल्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट द फूड हैबिट ऑफ एनिमल। अब हम इस वॉल्यूम में पढ़ेंगे एनिमल में फूड हैबिट, यानी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट डिफरेंट उनका ईटिंग हैबिट होता है, खाने का तरीका होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। एनिमल को जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट होते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। जिस तरीके का फूड ये एनिमल खाते हैं उसी के हिसाब से उनके माउथ जो होते हैं वो उसी तरह से, या उनके माउथ पार्ट उसी तरह से बने हुए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हर्बीवर्स। हर्बीवर्स सच एज काउज, बुफेलोज, हॉर्स एंड जिराफ ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवर्स यानी कि जैसे कि काउ, बुफेलो, हॉर्स और जिराफ, ये लोग सिर्फ प्लांट खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट लीव, स्टेम और ग्रास। उनके आगे के दांत जो होते हैं वो बहुत ही शार्प यानी कि बहुत तेज़ होते हैं, जिससे कि वो पत्तियों को काट सकते हैं, स्टेम और ग्रास को भी काट सकते हैं या खा सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ एट द बैक ऑफ दियर जॉस टू च्यू द फूड वेल। और उनके जो पीछे के दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो फूड को अच्छी तरह से च्यू करके, चबा करके खा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, कार्निवर्स। कार्निवर्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड लियोपार्ड। हर्बीवर्स जो होते हैं वो ओनली प्लांट ईटर, सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है। कार्निवर्स वो होते हैं जो कि फ्लैश मांस खाते हैं, ठीक है। सो कार्निवर्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड लियोपार्ड ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। जो कार्निवर्स जैसे कि लायन, टाइगर और लियोपार्ड्स होते हैं, ये दूसरे जानवरों के फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड कैनिन टू ग्रैब द प्रे एंड टियर इट्स फ्लैश। कैनिन जो होता है वो साइड के टीथ होते हैं, जैसे हम लोगों के होते हैं पॉइंटेड होते हैं लंबे, वैसे कार्निवर्स जो होते हैं उन कार्निवर्स के जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। कैनिन टीथ जो होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड यानी कि नुकीले होते हैं, जिससे कि वो अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को बहुत ही इजीली पकड़ सकते हैं और उनको टियर कर सकते हैं, मतलब पाड़ सकते हैं। सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, स्क्वायरल्स एंड माइस हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ टू ग्नॉ सीड्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि रैबिट, स्क्वायरल और माइस, ये सब ऐसे होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं फ्रंट टीथ बहुत ही शार्प होते हैं, तेज होते हैं, जो कि उनको सीड्स को यानी कि दानों को या बीजों को ग्नॉ करने में, कुतरने में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा फ्रूट और अदर फूड आइटम को भी कुतरने में हेल्प करते हैं। बीज एंड बटरफ्लाईज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बीज और बटरफ्लाई जो होते हैं वो फ्लावर के नेक्टर खाते हैं। दे हैव ए स्पेशल ट्यूब लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। उनके माउथ में एक स्पेशल तरीके का पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि प्रोबोसिस कहते हैं। दे यूज द प्रोबोसिस टू सक नेक्टर टू फ्लावर्स। जिस तरीके से आप फ्रूटी पीते हैं तो फ्रूटी में स्ट्रॉ लगा के, पाइप लगा के पीते हैं, तो उस पाइप को स्ट्रॉ बोलते हैं। उसी तरीके से ये बीज और बटरफ्लाई के माउथ में भी एक पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। उसी प्रोबोसिस के की हेल्प से ये जो होते हैं फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं यानी कि चूसते हैं।
Mosquitoes have a special type of proboscis that allows it to pierce skin and suck blood. मॉस्किटो में ये प्रोबोसिस जो होते हैं वो कुछ स्पेशल तरह के होते हैं जो कि उन्हें किसी की स्किन को छेद करने में और छेद करने के बाद उनका ब्लड सक करने में यानी चूसने में हेल्प करते हैं. ओके, द बीक ऑफ बर्ड्स आर शार्प द बीक ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. जो बर्ड्स होते हैं उनके बीक के शेप यानी उनकी चोंच के शेप जिस तरीके के वो फूड खाते हैं उसी तरीके से उनके चोंच के शेप होते हैं. पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स टू क्रैक सीड्स एंड नट्स. जो पैरट होते हैं उनके बीक यानी कि चोंच कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं जो कि उन्हें नट्स और सीड तोड़ने में हेल्प करते हैं. स्पैरो एंड पिजन्स हैव स्मॉल बीक्स टू पिक ग्रेन्स एंड अदर प्लांट मैटर. स्पैरो और पिजन जो होते हैं उनके चोंच बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि उन्हें ग्रेन्स यानी कि अनाज या बीज उठाने में या प्लांट के कोई मैटर होते हैं कोई चीज़ होती है उसे उठाने में हेल्प करते हैं. ईगल्स हॉक्स एंड फाल्कन्स आर कार्निवर्स बर्ड्स. ईगल हॉक्स फैल्कन्स ये सब जो होते हैं वो कार्निवरस बर्ड्स होते हैं यानी कि मांसाहारी बर्ड्स होते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक्स टू टियर द फ्लेश. उनके जो बीक होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, शार्प बहुत तेज होते हैं, हुक्ड होते हैं यानी कि वो भी मुड़े हुए होते हैं. जैसे हुक होती है कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए वैसे ही इनके भी बीक होते हैं, हुक मुड़े हुए होते हैं कोई भी चीज़ इजीली पकड़ने के लिए और मांस को फाड़ने के लिए. ठीक है, नाउ स्पेशल बिहेवियर इन एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल बिहेवियर बर्ताव करते हैं. सर्टेन प्लेसेस बिकम इनहैबिटेबल ड्यूरिंग द विंटर. कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो विंटर सीजन में इनहैबिटेबल होती हैं यानी रहने के योग्य नहीं होती हैं. द वेदर बिकम फ्रीजिंग कोल्ड एंड फूड बिकम्स स्कैर्स. उस जगह पे ठंड के मौसम में क्या होता है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फूड जो होते हैं लगभग जम जाते हैं. हाउ डू एनिमल सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन. तब इतनी बुरी कंडीशन में ये एनिमल किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताए. टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस एनिमल एग्जिबिट स्पेशल बिहेवियर. तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एनिमल कुछ स्पेशल तरीके से बर्ताव करते हैं. सम एनिमल हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर वाइल सम माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस. कुछ एनिमल अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं यानी कि छुपा लेते हैं विंटर सीजन में, जबकि कुछ जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं यानी भाग जाते हैं और भाग करके गर्म जगहों पर चले जाते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे हाइबरनेशन. सम एनिमल्स सर्वाइव द हार्श विंटर बाय गोइंग इनटू स्टेट ऑफ डीप स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन. कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने पर वो बहुत लंबी नींद में चले जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं. ये प्रोसेस हाइबरनेशन कहलाता है. ड्यूरिंग हाइबरनेशन एन एनिमल्स अपीयर्स टू बी डेड. हाइबरनेशन के समय में एनिमल कैसे दिखता है कि जैसे वो डेड हो गया है, मर गया है. लाउड नॉइजेज हैव नो इफेक्ट ऑन इट. इन पे बहुत तेज़ आवाज़ का कोई असर नहीं होता है. इट डज नॉट वेक अप इवन इफ इट इज़ टच्ड और मूव्ड अराउंड. इन्हें ये नहीं जागते हैं जब तक कि इन्हें टच किया जाए या मूव किया जाए, इस पर भी ये नहीं जागते हैं. हाउ डज एन एनिमल सर्वाइव विदाउट फूड ड्यूरिंग हाइबरनेशन. अब आपको पता है कि हाइबरनेशन में जो है एनिमल एकदम डेड के जैसे हो जाते हैं. ठीक है, तो इतने लंबे समय तक ये बिना फूड के कैसे रहते हैं. ड्यूरिंग ऑटम
ऑटम सीजन जो होता है, जो विंटर सीजन से पहले आता है वो ऑटम सीजन होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑटम द हाइबरनेटिंग एनिमल ईट्स मोर फूड देन यूजुअल एंड स्टोर इट एज फैट। ऑटम सीजन के टाइम में क्या होता है कि एनिमल को पता होता है कि अब इन्हें विंटर सीजन आने वाला है, अब इन्हें हाइबरनेट होना है, छुपना है। तो इस कंडीशन में ये अक्सर जितना फूड खाते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फूड खा लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में फैट के तौर पे स्टोर कर लेते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल यूजेज अप द बॉडी फैट दैट इट हैज़ स्टोर्ड। और जब वो हाइबरनेशन में चला जाता है तब यही स्टोर्ड फैट को फिर ये अपनी बॉडी में यूज़ करता है। दिस कॉजेज द एनिमल टू कम आउट ऑफ हाइबरनेशन थिनर बट स्टिल एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इन फॉल। इसी की वजह से जब हाइबरनेशन के बाद वो एनिमल बाहर आता है तो दिखने में तो दुबला लगता है लेकिन वो पहले के ही जैसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है। बैट्स, ग्राउंड हॉक्स, लिजर्ड्स एंड ग्राउंड स्क्वायरल्स आर सम एनिमल्स दैट हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। बैट्स, ग्राउंड हॉक्स, लिजर्ड, ग्राउंड स्क्वायरल ये कुछ एनिमल होते हैं जो कि विंटर सीजन के टाइम में हाइबरनेट हो जाते हैं यानी कि छुप जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की। द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू अवॉइड हार्श विंटर इज कॉल्ड माइग्रेशन। कुछ बर्ड या एनिमल्स के थ्रू हजारों मील दूर मूवमेंट करके चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना और अपने आप को विंटर सीजन से बहुत कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यही प्रोसेस माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं पलायन करना, भाग जाना। एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस टू फाइंड फूड, ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड वार्मर क्लाइमेट्स। एनिमल माइग्रेट करके भाग करके दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर क्यों जाते हैं? वहाँ फूड के लिए, ब्रीडिंग के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड जो जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर सकें और थोड़ा गर्म क्लाइमेट यानी कि गर्म वेदर के लिए। द साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया, दे फ्लाई 9,000 किलोमीटर टू इंडिया इन विंटर एंड फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन समर स्टार्ट्स। जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, साइबेरियन बर्ड्स भी बोलते हैं, वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। वो साइबेरिया से इंडिया में आने के लिए 9,000 किलोमीटर तक उड़ के आते हैं विंटर सीजन में और फिर जब साइबेरिया में जब गर्मी पड़ती है तो वापस वहाँ फिर चले जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू वार्मर मैक्सिको इन विंटर। जो मोनार्क बटरफ्लाई होते हैं, अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई होते हैं, वो क्या करते हैं कि कनाडा से वार्मर मैक्सिको में यानी कि कनाडा में जब ठंड पड़ती है तब वहाँ से मैक्सिको थोड़ा गर्म पड़ता है तब उस जगह पे वो आ जाते हैं। सम सील्स एंड व्हेल्स स्विम फ्रॉम अलास्का टू साउथ पैसिफिक टू स्पेंड द विंटर्स। कुछ सील्स और व्हेल्स जो होते हैं वो तैर कर अलास्का से साउथ पैसिफिक तक आते हैं अपनी ठंड को बिताने के लिए। द आर्कटिक टर्न फ्लाइज 17,000 किलोमीटर टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। जो आर्कटिक टर्न होते हैं वो उड़कर 17,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके अंटार्कटिक में आते हैं ड्यूरेंस विंटर सीजन के समय में। सम वेल्स माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एट द बिगनिंग ऑफ विंटर टू वार्मर प्लेस। कुछ ऐसे वेल्स होते हैं जो नॉर्थ पोल से माइग्रेट करके भाग करके जो विंटर सीजन में गर्म जगह पर जाते हैं। लोकस्ट आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स। लोकस्ट जो होते हैं वो हार्मफुल
इंसेक्ट्स होते हैं जो टिड्डे होते हैं, ठीक है। दे माइग्रेट इन स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। वो जो होते हैं स्वार्म एरिया में जाते हैं और वहाँ पे जो क्रॉप होते हैं उन्हें बर्बाद कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा था लोकस्ट अटैक, टिड्डे का अटैक हुआ था वही। ओके ना इन्फोबिट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैमल माइग्रेशन इज ऑब्जर्व बाय जाम्बियाज स्ट्रॉ कलर्ड फ्रूट बैट्स। विश्व का सबसे बड़ा मैमल माइग्रेशन जो है वो जाम्बिया में देखा गया है, जो जहाँ पे कि स्ट्रॉ कलर्ड फ्रूट के बैट्स जो हैं वो माइग्रेट किए थे। ओके नाउ चैप्टर 7 द एंड। थैंक यू।